नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वापस हाजिर हैं। समांतर श्रेणी ही पढ़ रहे थे अपन, तो अपन ने समांतर श्रेणी में पहले बेसिक पढ़ा था कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, अगर हमारे कोई पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेते हैं 5.2 एक्सरसाइज। तो इस 5.2 में हम पढ़ेंगे वही पद याद करना। क्या याद करना? पद। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो पद याद करना है इसका फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस बराबर बी। तो ए एन जो पद हमें याद करना है, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी सार्वंतर। तो देखिए दोस्तों, इसके एक सवाल करते हैं, सवाल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे से पद पूछ रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, समांतर श्रेणी दो सात बारह का दसवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। तो यहां प्रथम पद कितना है? दो। पहले नंबर का पद क्या कहलाएगा? प्रथम पद। तो यहां प्रथम पद कितना है? दो। बी के लिए हमने बात की थी, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो दूसरा पद हमारा सात है, पहला पद हमारा दो है, तो डी का मान कितना आ गया? पांच आ गया। और हमारे को कौन सा पद याद करना है? दसवां। तो यहाँ एन बराबर क्या हो गया? अब इसका फार्मूला हमने क्या लिखा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए कितना है हमारा? दो। एन है हमारा दस और डी है हमारा पांच। नौ को पांच से गुणा करेंगे, पैतालीस। पैतालीस और दो कितने हुए? सैतालीस। देखिए दोस्तों, फार्मूले के द्वारा बहुत इजी है ये कि ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर, और उसको हमने फार्मूले में जमा दिया तो ये हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। जैसे हम एक और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हम लेते हैं अंडर रूट दो, तीन अंडर रूट दो, पांच अंडर रूट दो का अठारहवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वही चीज, प्रथम पद ए, ए का मान यहां पर अंडर रूट दो। डी के लिए अपन ने बात की, दूसरे में से कौन सा घटाएंगे? पहला पद घटाएंगे। तो यहाँ दूसरा पद है तीन अंडर रूट दो और पहला पद है अंडर रूट दो। तो दोस्तों देखिए, ये अंडर रूट दो कितनी बार है? तीन बार। ये अंडर रूट दो कितनी बार है? एक बार। तो कितने बचेंगे? दो अंडर रूट दो। या फिर इसको हम कॉमन लेके भी घटा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। एन यहाँ पर कौन सा पद हमें याद करना है? अठारहवां पद याद करना है। इसका मान क्या हो गया? अठारह। इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए अंडर रूट दो, एन अठारह और डी दो अंडर रूट दो। अठारह में से एक है सत्रह, दो अंडर रूट दो। सत्रह दुनी चौतीस और अंडर रूट दो। देखिए दोस्तों, ये अंडर रूट दो कितनी बार है? चौतीस बार। ये अंडर रूट दो कितनी बार है? एक बार। तो चौतीस और एक कितनी हो गई? पैंतीस अंडर रूट दो। या वही चीज कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं? कॉमन लेके। तो ये हमारा पहला सवाल था
पहले सवाल में इस टाइप के तीन सवाल हैं, तो दोस्तों हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी लैंग्वेज को समझना है। दूसरे में चार क्वेश्चन है, चारों एक जैसे हैं। देखिए दोस्तों इसकी लैंग्वेज समझो, सवाल में कह रहा है समांतर श्रेणी 21 18 15 डैश 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 का कौन सा पद माइनस के 81 है। मेरे से 18 हो गया, ये 81 है, माइनस के 81 है। तो दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी यानी इसी क्रम में हम चलते रहे तो हमें देखना है कि ये माइनस का 81 कौन से नंबर पे आएगा, यानी इस माइनस के 81 है कितनी संख्याओं को छोड़ने के बाद वहां मौजूद होगा। तो देखिए ए का मान हो गया यहां पर 21, डी के लिए दूसरे में से पहला घटाएंगे और कौन सा पद एन तो पूछ रहा है हमारे से, क्या कौन से नंबर पे माइनस के 81 आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया अंतिम पद हो गया, यानी कौन सा पद ढूंढना है हमारे को माइनस के 81 वापस कि कौन से नंबर पे ये आएगा, तो नंबर हमें फाइंड करना है, टर्म्स पूछ रहा है। तो फार्मूले में दोस्तों इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, किसी भी प्रकार से कर लो। देखो थोड़ा इजी, माइनस 81, ए का मान 21, एन का मान नहीं दिया हुआ और डी का मान माइनस 3। पहले हम इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, 3 को एन से मल्टीप्लाई किया, 3 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 21 भी प्लस की 3 भी प्लस की, तो 21 और 3 कितने हो गए 24, 24 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 105 और ये माइनस के 3 है, माइनस से माइनस, तो एन बराबर 105 बटे 3, तो और कितना आ गया 35 आ गया, यानी माइनस का 81 कौन से नंबर पे आएगा, 35वें नंबर पे आएगा। देखिए दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रथम पद हो गया माइनस के 21, सार अंतर के लिए दूसरे में से किसको घटाते हैं, पहले को घटाते हैं, और एन वो हमारे से पूछ रहा है हमें अंतिम पद क्या दिया हुआ है माइनस का 81, ये फार्मूले में हमने जमा दिया इसको। पहले हमने ब्रैकेट को हल किया, 3 को एन से मल्टीप्लाई किया, 3n, 3 एकम 3, 21 और 3 24, 3n का 3n, 24 इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 105, 3n का 3n, माइनस से माइनस, 3 इससे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमारे आंसर कितने आ गए 35। तो दोस्तों इस प्रकार के चार सवाल है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि यदि n का मान यहाँ इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाए, तो जब इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हमें लिखना पड़ेगा यह इसका पद नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा क्या आती है पूरी पूरी आती है, पॉइंटों में नहीं आती, ना ही ऋणात्मक आती है, माइनस में भी नहीं आती। तो दो बातों का ध्यान में रखना है कि एन का मान एक तो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए और एन का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो और देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में इस प्रकार से पता करना है। अब जो आगे के जो क्वेश्चन है वो सेम इन्हीं पैटर्न पर आधारित है, थोड़ा सा लैंग्वेज को हमें पकड़ना है और आए हुए हैं बोर्ड में। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा चौथा पांचवा तीनों एक जैसे हैं, अच्छी तरह देखिए।
किसी समांतर श्रेणी का छठा पद। एक तो हमारे से कौन किस कौन से पद की बात हो रही है, छठे पद की, तथा सत्रवा पद कर्मशः 19 और 41 है। तो हम देख रहे हैं यहां हमारे को समांतर श्रेणी नहीं दी गई, हमारे को बीच बीच में से बता दिया। तो हमारे को क्या बताया हुआ है कि छठे नंबर पे तो क्या आएगा 19 आएगा और 17 नंबर पे क्या आएगा 41। तो देखो दोस्तों, हमने एक ट्रिक्स पढ़ी थी 5.1 में कि हमें जो भी पद ज्ञात करना होता है उसमें से एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये कौन सा पद दिया हुआ है, छठा। 6 में से एक हटाएंगे तो कितने आएंगे, 5। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस 5डी बराबर 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पूरा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 17वां पद है, तो 17 में से एक गए तो 16, तो 1 प्लस 16डी बराबर 41। इक्वेशन नंबर सेकंड, अभी दो समीकरण बन गए, हमें क्या लगा देना है, विलोपन विधि। देखिए समीकरण एक व दो से ए प्लस 5डी बराबर 19, ए प्लस 16डी बराबर 41, और ये कैंसिल, माइनस के 11डी, 16 में से 5 गए तो कितने बच गए 11। इसी प्रकार 41 में से जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 22, माइनस से माइनस तो डी बराबर 22 बटे 11, तो कितने आ गए 2। डी का मान समीकरण एक में रखने पर पुट कर दीजिए, या ये दो में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी का मान रखो ए प्लस 5डी बराबर 19, डी की जगह पर 2, 5 × 10, तो ए बराबर 19 माइनस 10 तो कितना आ गया 9। तो ए का मान कितना आ गया 9, डी का मान कितना आ गया 2। अब हमारे से पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो वो हमारे से पूछता है 40वां पद याद कीजिए, कौन सा पद पूछ रहा है, 40वां। अब लगा दो फार्मूला, ए कितना आ गया 9, कौन सा पद पूछ रहा है 40, डी कितना आ गया 2। देखिए दोस्तों, बाकी के जो सवाल है उसको इसी प्रकार से करेंगे, ए और डी निकालेंगे, उसके बाद हमें ध्यान में रखना है क्या पूछ रहा है। कई बार तो पद पूछ लेता है, कई बार संख्या पूछ लेता है कि एन क्या है, तो इस चीज का विशेष हमें ध्यान देना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले सवाल में कह रहा था एक तो छठा पद कितना है 19, और फिर कह रहा है 17वां पद कितना है 41। तो छठे पद के लिए अपन ने बात की थी कि जो भी अपन को पद याद करना होता है उसमें से हम एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 6 में से एक हटाएंगे तो कितने आएंगे 5, तो ए प्लस 5डी बराबर 19। इसी प्रकार 17वें पद के लिए ए प्लस 16डी बराबर 41। विलोपन विधि लगा दें तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। डी का मान या तो समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो। तो समीकरण एक में रख दिया तो हमने ए का मान कितना आ गया 9, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब सवाल में पढ़ते हैं तो सवाल में कह रहा है इसका 40वां पद याद कीजिए, यानी कि 40वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये हमने पद याद करने का क्या लगा लिया, सूत्र। और देखिए दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा एक जैसा ही कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। सवाल में कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। दोस्तों सबसे पहले 3 अंक, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, 999। तो हमारे को ध्यान में रखना है कि 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं में से देखकर बताना है
कि कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है, यानी जिसमें सात का क्या जाता हो भाग। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो दोस्तों अब ये तो किसी को पता नहीं है, इसलिए हमें भाग दे दे के देखना है कि जैसे 100 में देखो सात का भाग जाता है क्या, सात एकम सात और ये भाग नहीं गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पांच होगा, तो ये भाग पूरी पूरी बार चल जाएगा। तो पहली संख्या कौन सी हो गई, 105। सात का भाग देना है तो सात जोड़ दीजिए, 112, 119। इसी प्रकार लास्ट में देखिए क्या आएगा, तो हम देखते हैं 9, 9, 9 में सात का भाग, सात एकम सात, सात चौक 28 नहीं जा। अगर यह 8 होगा तब भी नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर यह 7 होगा तब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 × 14। तो लास्ट लास्ट में किस कौन सी संख्या आएगी, 9, 9, 4। तो अभी जिससे हमारा दूसरा क्वेश्चन था सेम बन गया, लगा दीजिए सूत्र। ए हो गया 105, डी के लिए दूसरे में से पहले को घटाए और अंतिम पद कितना हो गया, 9, 9, 4। कितनी, यानी कि एन हमारे से पूछ रहा है, से किया था भी दूसरा क्वेश्चन, जमा दीजिए। An बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, an 994, a 105, n हमारे को नहीं दिया, d कितना है 7। ब्रैकेट को हल कर दें, सात घटा दें, देखा दोस्तों अब 98 को इधर भेजेंगे, कई है 994, 105, 7 × 7, 7 × 14, गड़बड़ है कहीं ना कहीं दोस्तों, चेक कीजिए। 112 में से 105 गए तो 7, 105, 9, 9, 4, 7, 7, 14, 15। दोबारा रिपीट करते हैं इसको, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे से कह रहा है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी। तो हमने सबसे पहले देखा कि 100 में सात का भाग नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में किसका भाग जाता है, सात का भाग जाता है। तो सबसे पहली जो संख्या आ गई वो कितनी होगी, 105। अब दूसरी संख्या के लिए इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 112, फिर 7 जोड़ देंगे तो 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119। इसी प्रकार लास्ट में हमने देखा कि लास्ट वाली संख्या 999 में भाग नहीं जाता, 98 में नहीं जाता, तो किसमें जाता है, 94 में जाता है, 7 × 7, 7 × 4 = 28 और 7 × 14। लास्ट लास्ट में कितने आ गए, 994। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन हो गया 994, ए 105, एन हमारे को नहीं दिया, डी कितना है 7, 112 में से 105 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 7। अब इसको ब्रैकेट को हल करें, 7 को एन से मल्टीप्लाई किया, 7 एन, 7 एकम 7। यहाँ गलती थी हमारे, 9 लिख दिया था, 98 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 12 में से 14 में से 8 गए, कितने बच गए 6, 8, 18 में से 9 गए तो 9 और ये 8। सात इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसमें इसका क्या दे दीजिए, सात एकम सात, सात दुनी 14, सातु आठ छान कितना हो गया 100। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले पे हमारी पूरी एक्सरसाइज कौन सी टिकी हुई है, 5.2 टिकी हुई है। तो ये आपके सामने है, मेरे हिसाब से बाकी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये थोड़ा अलग प्रकार का है, बाकी सब इसी पैटर्न पे टिके हैं सवाल। जैसे दोस्तों एक नया सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं, सब 7 की बात, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। ध्यान में रहना कि सवाल में क्या कह रहा है, अंतिम पद से, जब सवाल में अंतिम पद कह दिया तो अब हमारे को समझ जाना है यहाँ पर जो भी हमारे को संख्या दी है उसको उल्टा कर देना है। अंतिम पद कह रहा है तो लास्ट लास्ट में कितना है माइनस का 62, फिर उसके बाद 4, फिर 7, फिर 10। अंतिम पद से कह दे तो हमें जो भी संख्या दी गई है इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब अपना सवाल कर दो, एक हो गया माइनस का 62, डी के लिए हमने बात की थी दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो यहाँ दूसरा तो पद ही नहीं है, लेकिन हमने बात की थी सार अंतर सभी में समान होता है, इसमें से इसको घटा दो, और कौन सा पद पूछ रहा है 11वां, जमा दो, एक मान माइनस 62, नंबर का पद क्या आएगा माइनस का 32 आएगा। तो देखिए दोस्तों एक ही फार्मूला है और उस फार्मूले पर पूरी पूरी हमारी 5.2 टिकी हुई है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आज इसको कीजिएगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो हमारे कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर पूछें। कल हम पढ़ेंगे इस समांतर श्रेणी का लास्ट टॉपिक, पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या पढ़ना, योगफल, यानी कि सम ऑफ नंबर पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।